इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाइयों, लिखा जा रहा है जो आपने अपनी जिंदगी में भेजा है, आपने अपनी जिंदगी में भेजा है, बदलें खुद को कुछ। दूसरे नंबर पे वह आसार हम, अल्लाह कहते हैं, दो माने किए हैं मुफस्सरीन ने यहां, बल्कि तीन। पहला माना यह है कि ये अपने पीछे जो निशानियां छोड़ के जाते हैं, बेटे हों, बेटियां हों, तालीफ हो, तहरीर हो, तकरीर हो, बयान हो, खिताब हो, वो आसार हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही हदीस है, जब बंदा मरता है उसके सारे अमल मुनकते, इल्ला मिन सलाफ, तीन ऐसी नेकियां हैं कि जो जारी और सारी रहती हैं, उनमें से एक इल्मुन युन्तफाउ बिह, सदकतुन जारिया, व वलदुन सालिहुन यदउला। बंदे का सदका है जारिया, नेकी के किए हुए काम, लिखी हुई किताब, पढ़ाया हुआ किसी तालिबे इलम को, कुछ सिखाया हुआ, और ऐसी तरबियत याफ्ता औलाद जो मां बाप के बाद उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी रख सके। हजरात मुखातब हूं अपने आप से भी और आप सब से भी, मेरी मां जी और मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला सब को उन जैसा रवैया अता करे। नहीं पढ़े हुए थे तो भी एक ही फिक्र थी कि बेटा जिंदगी में बहुत कुछ रब ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सरमाया मेरी औलाद है। दुनियादारों में रह के, जिम्मेदारों में रह के, फिर भी अगर तैयार किया है तो उस पल के लिए जिस पल में औलादें मुंह बंद करके गूंगी खड़ी होती हैं और पता भी नहीं होता कि कहना क्या है और पढ़ना क्या है, और उनके मोबाइल बज रहे होते हैं और उनमें गाने चल रहे होते हैं, मैंने उन लम्हात के लिए तैयार की कि बेटा अगर मेरी चारपाई उठाओ तो किसी ऐसी जगह ले जाना जहां अहलुल्लाह अल्लाह वाले, काल अल्लाह हुआ काल रसूल, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, दीन से जुड़े हुए लोग, उन बुजुर्गों की, औलियाउल्लाह की कदमों की खाक के बराबर भी नहीं जो पिछली सफों में थे, लेकिन मां की एक वसीयत के बेटा जिस मौके के लिए तैयार किया था, और बाप की नसीहत, अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे के रब आखिर में और कुछ नहीं तो ऐसी औलाद जरूर दे दे। औलादें हैं तो उनमें से कुछ कोशिश कीजिए, कोई तरला, कोई मिन्नत, कोई पांव पकड़िए। बड़े बड़े मां बाप को मैंने झुकते, मिन्नतें करते, मनाते औलाद को देखा है, बेटा ये कर ले, बेटी ये कर ले, वो कर ले, नहीं देखा तो दीन के लिए नहीं कुछ कीजिए। और अगर औलाद नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, अपने कोई ऐसे शागिर्द पैदा कर जाइए, कोई ऐसे बच्चों की कफालत कर जाइए कि जो आपके जाने के बाद आपके लिए सदका जारिया हूं। वह आसार हम, इनकी निशानियां। दूसरा माना यह किया है कि ये लोग जिस तरह की कोई तरबियत करके गए और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की, वो पैरवी करने वाले भी इनके मुआमलात का एक एक अमल लिखा जाएगा, एक एक अमल। हिला देने वाली आयत है, सूरह यासीन है, हमने समझा मुर्दों पे पढ़नी है, ये जिंदा लोगों के लिए नसीहत थी। इरशादे बारी ताला है, वह आसार हम इनके आसार भी लिखेंगे। आपने किसी को नशे पे लगाया, अच्छा है तो अच्छा लिखा जाएगा, बुरा है तो बुरा लिखा जाएगा। मुस्लिम की हदीस है, मन सन्ना सुन्नतन हसना, जिसने अच्छे काम अच्छी सुन्नतों पे लोगों को लगाया, इसे भी इसका अजर मिलेगा, और जिसने पैरवी की उसे भी, और जिसने कुछ बुरा करा इसका भी खाता खुल गया।